तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिंदी के गैसेस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी कहिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, 2015 से 16 से 17 से 18 से 19 से सारे मतलब 15, 16, 17, 18, 19 से हम क्वेश्चन को सेट करके आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूर्णपेन देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लोग कल के बोर्ड एग्ज़ाम में गर्दा छोड़ा के आ जाइएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखता है, आपको लगभग इससे 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, मेरी ये गारंटी है 100% का। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको पूर्णपेन समझ में आ जाए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। तो फ्रेंड्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बस याद करते जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है, बस वीडियो को देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, दूसरा जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक 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 अंत विरोधों का उजागर करती है? तो फ्रेंड्स फाइनली इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों का उजागर करता है? तो मध्य वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा भारत। हम लोग बिलोंग करते हैं भारत से, तो भारत ही होगा, ठीक है, याद रखना है। चौथा नंबर, चौथा नंबर कह रहा नाखून क्यों बढ़ता है, इसमें से गद की कौन सी विधा है? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इग्नोर ना करें, पूरा सुने और याद हो जाएगा। तो फोर नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। अगला क्वेश्चन फाइव नंबर गैसेस क्वेश्चन है हमारा और 100% आप लोग को पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि है, तो दोस्त हिंदी भाषा की लिपि कौन सा? देवनागरी लिपि है। अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो सिक्स नंबर का फाइनली आंसर जा रहा है, सिक्स नंबर का दिल बहादुर, ठीक है। अब सातवां नंबर है यहाँ पे, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा की मूल्यांकन किसकी कृति है? तो राम विलास शर्मा की कृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आठ नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आठ नंबर, आठ नंबर यहाँ पे कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सारे इस तरह के क्वेश्चन ही आप लोग को देखने को मिलेगा 100%। मैं 15 क्या 20 का भी गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग के पूछा जाएगा। एट नंबर देखिए, गौन यहाँ पे कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो यार इसका जो एट नंबर का आंसर हो जाएगा नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज किससे? नृत्य कला से। दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करती रहूँगा। अवेन्यू कहाँ स्थित है? देखिए नाइन नंबर में अवेन्यू कहाँ स्थित है, तो आंसर करेंगे फ्रांस। दस नंबर है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? दस नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का गो, ठीक है, तीन। अब यहाँ पे है ग्यारह नंबर, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। ग्यारह नंबर बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बारह नंबर का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ पे है तेरह नंबर, सिख धर्म के प्रावर्तन किसने किया? तो फ्रेंड्स तेरह नंबर का जो आंसर करेंगे गुरु नानक। चौदह नंबर देखेंगे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया? तो फ्रेंड्स चौदह नंबर का आंसर करेंगे रस खान। अगला क्वेश्चन है, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हियो परसो में किस कवि का नाम आया है? तो पंद्रह नंबर का आंसर करेंगे दोस्त घना आनंद। अगला क्वेश्चन है सोलह नंबर, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत लाखत डैश कुछ ना आब भारत में दर्शात।
तो फ्रेंड्स 16 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग गौ भारतीयता। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देख, तो 17 नंबर है यहाँ पे फ्रेंड्स, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? तो फ्रेंड्स 17 नंबर का आंसर हो जाएगा भारत माता। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं? तो फ्रेंड्स 18 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा ग मतलब रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है आयेग का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है, बस छोड़ना नहीं, आग लगा के आ जाना है। सचितानंद हरिन आनंद वात्स्यान आयेग। 20 नंबर है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? भैया इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का वृक्ष को कहा था। 21 नंबर है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच डैश बढ़ गए, सॉरी मेरी नींद के दौरान डैश कुछ इंच बढ़ गए, इंच नहीं यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा आप लोग का इंच ही होगा, कुछ इंच बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के लिए किस स्तर का शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो भाई साहब आंसर क्या करेंगे, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। 23 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त की है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा मातृभूमि बंगाल। 24 नंबर है, रेनर मारिया रिलके द्वारा रचित कविता, तो 24 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग मेरे बिना तुम पढ़ो। अगला क्वेश्चन मगम्मा से, देखिए भाई मगम्मा से आप लोग के सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसलिए भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मगम्मा वाला चैप्टर पढ़ ही लेंगे। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा वाली दही, तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आप लोग इसका आंसर करेंगे उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, मंगू किस कहानी के पात्र हैं? देखिए भाई बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गर्दा छुड़ाने वाला क्वेश्चन है इसका, मंगू किस कहानी के पात्र हैं? तो 27 नंबर का जो आंसर जाएगा माँ कहानी के पात्र हैं। पपाती किस रोग से ग्रासित थी? पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो 28 नंबर का आंसर करेंगे भाई यहाँ पे मेनिनजाइटिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 29 नंबर, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो भाई कैसा महसूस होता था? घुटन महसूस होता था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, व्यंजना क्या है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है लोटा डोरी कौन सा समास है? जब दो आवे ना लोटा और डोरी, तो आंसर क्या करना है? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विद्यानुराग कौन समास है? देखिए 33 नंबर का आंसर जा रहा है आप लोग का तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रति जोड़ एक प्रत्येक, इसका सही आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन है प्रेम आयन श्री राधिका प्रेम वरण घनानंद, तो ऑप्शन देखते प्रेम वाटिका के दौ माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? तो फ्रेंड्स 35 नंबर का आंसर करेंगे सिंगार रस है। अगला हम लोग देखेंगे 26 नंबर, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो 36 नंबर का आंसर करेंगे रूपक। 37 नंबर है परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, तो 37 नंबर का आंसर करेंगे को
जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं भाई, 100% इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करेंगे तो फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 38 नंबर है, ड्राइवर ज़रा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? तो हम ये सारे क्वेश्चन को लाइव क्लास में किए थे, जो बच्चे मेरे लाइव क्लास से जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगा। तो 38 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला है काव्य गुण का प्रकार है, काव्य गुण का प्रकार है तो माधुर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर वाच कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर करेंगे वाच जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तब समझेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई 41 नंबर का आंसर जा रहा है गप सप में आनंद लेना। सभ्य का विलोम क्या होता है, सभ्य का विलोम क्या होता है, इसका हो जाएगा असभ्य। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर वास्तविक में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक, क्या बोलते हैं वास्तविक, इक आ रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा भूतकाल। मनुष्य जो है और आगे बढ़ा, मतलब ये पीछे की बात हो रही है, इसलिए भूतकाल हो गया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर दक्षिणी शब्द संज्ञा होगा, तो 45 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग दक्षिणी शब्द का दक्षिण हो जाएगा, दक्षिणी का शब्द का संज्ञा क्या होगा, दक्षिण। अब देखिए आप लोग का फरमाइश, देखिए फरमाइश हम लोग करते हैं ना, हमको जीन्स चाहिए, अब कोट चाहिए, तो अब फरमाइश लिंग है, अब बताना है भैया फरमाइश जो हम लोग कर देते हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको मज़ेदार से हम लोग आंसर करेंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाता है और ये ज़्यादा फरमाइश करती है तो स्त्री ही करती है, इसलिए चलिए कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना, हम यूं ही आप लोग के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए बोल दिए। 47 नंबर है सामग्री का बहुवचन क्या होगा, तो बच्चा भी देख के मारेगा सामग्रियां, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर नौबत खाना का अर्थ होता है, ते भैया नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वज बजने का स्थान, नौबत खाना कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है, तो कोशिश का जो है पर्यायवाची शब्द होता है प्रयास करना, और आप लोग भी प्रयास करेंगे कि इस वीडियो पर जो है मेरा टारगेट है 1000 लाइक का, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे, लाइक करके ही जाएंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिया है, गैसेस क्वेश्चन दिया है, इसलिए आप लोग लाइक करके जाएंगे और एक एक बच्चा यदि शेयर भी कर दे तो वीडियो बहुत हो जाएगा, शेयर करना आप लोग बच्चे के साथ शेयर कर देना ताकि सारे बच्चे को पता चल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले एक बात और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑन कर लेना, ठीक है। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है, तो भाई कर्म का जो है मानक आधुनिक रूप है कर्म, ठीक है, कर्म और कर्म ये हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका हमेशा कमेंट का वेट करते हैं और सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो।